गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। सर आफ्टरनून। ओके, सो टुडे I will show you the and the remaining group, that is the animal group, then human group, God group. Okay, so and today I am going to share one case. That case is very difficult for me and for the matlab for the gynecologist also. तो केस, एक केस मेरी और एक केस डॉक्टर विजय कर सर के, ऐसे दो केसेस यहाँ देखेंगे आज। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन की केस थी। ऐसे केसेस में मोस्टली कोई हाथ नहीं डालेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से वो केस सॉल्व हुई। तो ऐसे केसेस जो वेरी मतलब बहुत ही डिफिकल्ट क्रिटिकल केसेस अंडर द हेडिंग ऑफ इंजुरी आज हम देखने वाले हैं। सो कल हमने देखा था प्लांट ग्रुप, प्लांट मेन, एनिमल मेन, मिनरल मेन। सो एनिमल मेन हम लास्ट में एनिमल मेन देखा, तो एनिमल मेन में हम रिपीट करेंगे। सो एनिमल मेन रेमिडीज, देयर इंटरेस्ट एंड अटेंशन इज मूव्ड बियॉन्ड सेल्फ एंड फैमिली। यस, सो एनिमल मेन का मेन मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? एक बार एनिमल मेन दे आर इंटरेस्टेड और दे विल शो इंटरेस्ट एंड अटेंशन बियॉन्ड सेल्फ एंड फैमिली। यस, सो दे डोंट लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स एंड फैमिली ओनली, दे identify themselves with caste and creed, clan or clique, class or community. They are sectarians. Their interest include self, family, and those who embrace their foes. They sacrifice for own section and function, factions, and are angels for them, but only for own sections. So they are aggressive and fighter in order to satisfy their need. So हमने देखा है जिस टाइप से एनिमल्स होते हैं, माइल्ड एनिमल्स, एग्रेसिव एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, तो अपना पेट भरने के लिए वो ऑलवेज अटैकिंग होते हैं, अपना फूड पाने के लिए वो। तो उसी तरह के क्वालिटीज
ह्यूमंस में आते हैं, और आप देखो कि सबसे पहले मतलब जब अर्थ पे आया, अर्थ पे मिनरल्स आए, उसके बाद प्लांटेशन आए, उसके बाद एनिमल्स आए, उसके बाद ह्यूमंस आए, तो वो ये जो सब जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे थ्रू जीन्स हमारे में आए हुए और अभी भी है। तो इसी बेस पे हम मेडिसिन सिलेक्ट करते, वही जेनेटिक क्वालिटी जो कैरी ऑन हुई है हजारों सालों से, लाखों बिलियन सालों से वो कैरी ऑन होते आ रही है। सो दैट क्वालिटीज वी फाइंड इन द पेशेंट्स एंड वी गिव दैट सिमिलर रेमेडी, दैट एनिमल रेमेडी, सो दे आर। तो ये सब हमें देखना होता है, ये क्वालिटीज हमें देखना है, क्योंकि ये सब हमारे जीन्स में अभी भी है, ये क्वालिटीज अभी भी है। दो इट डज नॉट कम इन फिजिक्स, इन हमारे शरीर में, बॉडी में नहीं आई, लेकिन हमारे जीन्स में, हमारे माइंड में वो अभी भी क्वालिटीज है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी कैरी ऑन हुई है। यस स्लाइड नहीं सो दिख रही सर, स्लाइड ओके यस अभी आ रही है। यस आई थी अभी। ओके सो दे आर एग्रेसिव एंड फाइटर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ क्लास और क्लैन, द एंजल टर्न्स इन टू डेविल। यस दीज आर ऑल एनिमल क्वालिटीज, दे कैन नॉट बी टॉलरेट और बिनेवोलेंट बियॉन्ड देयर ग्रुप, दे ब्रीड डिसकंटेंट एंड डिसरप्शन इन सोसाइटी। यस सो दिस इज ह्यूमन क्वालिटीज। नाउ द ह्यूमन मेन, तो हमने एनिमल मेन देखा, नाउ ह्यूमन मेन। तो एनिमल मेन में हमें क्या सर्च करना होता है, एंड नाउ ह्यूमन मेन, दे आर मच सुपीरियर देन ऑल द प्रीवियस टाइप, दे हैव वाइडर इंटरेस्ट, सम आइडेंटिफाई विद द नेशन, अदर्स वर्क फॉर देयर स्पेसिस। तो ये होते हैं ह्यूमन मेन की क्वालिटीज, तो वो कुछ अलग से होते हैं, एक्सेप्शनल पर्सन होते हैं, उनमें अलग सी क्वालिटीज होती है, वो सबको लेके चलते हैं लाइक दिस। सो सम वर्क फॉर एंटायर मैनकाइंड, दे आर सैक्रिफिशियल टू ऑल इररेस्पेक्टिव टू कास्ट कलर क्रीड एंड कंट्री, बट दे डू नॉट हैव एनी काइंडनेस टू बर्ड्स एनिमल्स एटसेट्रा। सो दीज आर द ह्यूमन मेन। यस तो हमने एग्जाम्पल कल देखा था लाइक मोदी, देन गॉड मेयर। फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन शोज पीपल हु केयर फॉर ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एटसेट्रा। तो ये होती है गॉड मेन की क्वालिटीज। तो गॉड मेन जैसे कि हम देखते हैं कि सतयुग, ये वर्ड्स ये बार बार हम सुनते हैं कि तब के सतयुग के लोग बहुत ही काइंड पर्सन्स थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही दयालु थे, जब कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं था लाइक दिस। सो दिस इज द गॉड मेन क्वालिटी, वो जीन्स हमारे में आए हुए हैं, वो जीन्स हमारे में है, वो क्वालिटीज हमारे में है, लेकिन अभी उसका जो रेशो है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि अभी जो कलयुग शुरू है, तो वो क्वालिटीज है लेकिन कुछ एक्सप्रेसिव होते हैं तो कुछ नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ वो क्वालिटीज एकदम आपको पट से दिखाई देंगे तो किसी में आपको ढूंढना पड़ेगा। सो फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन शोज पीपल हु केयर फॉर ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। सो लव इज ऑल परवेडिंग, ही एक्सपीरियंसेस एंड रेडिएट्स लव, पीस एंड हैप्पीनेस डिविनिटी एवरीवेयर, दिस इज द गॉड मेन क्वालिटी। तो इस टाइप के पर्सन्स अभी भी है
और उसे गॉडमैन क्वालिटीज और गॉडमैन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे। तो इस क्वालिटी को सिमिलर मेडिसिन्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो मेडिसिन्स लाइक ऑरम कार्सिनोसिन है ना, दिस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इज गॉडमैन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके नाउ अभी हम देखेंगे कि मिनरल में कौन से इलनेस हो सकते हैं। मिनरल कौन से मतलब एक प्रकार से हम ये देखेंगे कि स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ होगी, कौन से डिजीजेस मिनरल में कवर करेंगे या फिर उनमें होते हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्लामेशंस कम अंडर द मिनरल में। देन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, सिस्टर सर्कोसिस, सिस्ट इन ब्रेन एंड लिवर किडनी। तो सिस्ट ये मोस्टली द स्पीयर ऑफ एक्शन ऑफ मिनरल्स ऑन सिस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशंस, सिस्ट इन एनी ऑर्गन, बट द मोस्टली ओवेरियन सिस्ट, सिस्ट इन ब्रेन, लिवर एंड किडनी। देन बिनाइन ग्रोथ कवर्स द मिनरल में, मिनरल्स। तो कल हमने मिनरल्स कौन से मिनरल्स है, कौन से रेमेडीज और कौन से पर्टिकुलरली रेमेडीज कवर दिस सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट। कल हमने देखा पीसीओडीज कौन से मेडिसिन्स कवर करते, लाइक नेट्रोम्यूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नेट्रोम्यूट। देन बिनाइन ग्रोथ में कैलोसिटीज, पॉलिप्स, इलास्टिन लेस इलनेसेस, फॉर एग्जाम्पल टोसिस, वीकनेस ऑफ टिश्यूज एंड प्रोलैप्सेस, दीज आर इलास्टिन लेस। सो बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी बिकम लेस, तो टिश्यू एकदम लूज हो जाएंगे, जिससे प्रोलैप्सेस, हर्नियाज, ये सब कवर होता है मिनरल मेन में। देन डिपोजिशंस लाइक फाइब्रिन डिपोजिशन, आर्टियोस्क्लेरोसिस, ओल्ड एज, सिनाइल डिमेंशिया, दीज आर द डिजीजेस कवर अंडर मिनरल। स्टोन नेवर मल्टीप्लाई, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन नेवर मल्टीप्लाई, दे डू नॉट हैव देयर लाइफ एंड एनर्जी टू ग्रो, क्योंकि वो लाइव नहीं होते, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। लेकिन वो मल्टीप्लाई होते हैं तो बिकॉज ऑफ द प्रिसिपिटेशन और डिपोजिशन, सो देयर ग्रोथ इज बाय प्रिसिपिटेशन एंड डिपोजिशन। सो मिनरल से ही स्टोन भी फॉर्म होते हैं, और स्टोन के लिए बहुत अच्छे रेमिडीज, दैट मीन्स मिनरल्स। जिनाइन ग्रोइंग ट्यूमर लाइक कैंसर्स ₹1,600 मे नॉट कम अंडर द क्यूरेटिव डोमेन ऑफ मिनरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्यूमर्स मिनरल कवर नहीं करते हैं, दे डोंट हैव क्यूरेटिव पावर फॉर ट्यूमर्स, मे बी देयर फॉर बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एडिनो कार्सिनोमा। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है तो मिनरल्स अगर उसमें आता है या और दूसरे भी ग्रुप के मेडिसिन अगर आते हैं तो फर्स्ट प्रिफरेंस हमें दूसरे ग्रुप को देना है, मिनरल्स को नहीं। ओके सो बट देयर एसिडिक नेचर मे कॉज इरोजन एंड हेंस इट कुड बी ऑफ हेल्प इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यस बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आप मिनरल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लाइटर और एसिडिक मिनरल, तो लाइटर और एसिडिक मिनरल्स कौन से हैं, लाइक अमोनियम, फॉस्फरस, आयोडम, ब्रोमाइन, फ्लोरीन एंड मेनी मिनरल एसिड एग्जाम्पल्स लाइक एसिड नाइट्रिक,
कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा कैन गिव राइज टू डिस्ट्रक्टिव इलनेसेस। सो जब भी डिस्ट्रक्टिव इलनेस के केसेस आते हैं तो उनमें जैसे कि बहुत ग्रेवली डिस्ट्रक्शन हुआ है लाइक कैंसरस केसेस, उनमें आप एसिडिक मिनरल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। यस, तो ये हुआ मिनरल इलनेसेस। नाउ मेटल मेन इलनेसेस। मेटल मेन इलनेसेस में मेटल हेल्प्स टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर। मेन जो रोल होता है मेटल का वो स्टैंड करने के लिए होता है, स्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए होता है। सो दे आल्सो डू नॉट ग्रो बट दे कैन कोरो। यस, दे डू नॉट ग्रो बट दे कैन ग्रो। दस ट्यूमर्स आर नॉट सीन इन प्रूविंग्स ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स प्रूव किए तो उसमें ट्यूमर्स पे कोई एक्शन नहीं मिली। सो ट्यूमर्स आर नॉट सीन इन प्रूविंग्स ऑफ मेटल्स। डिस्ट्रक्टिवनेस इलनेसेस कैन बी प्रोड्यूस एंड क्योर्ड बाय मेटल्स। तो मोस्टली मेटल्स जितने भी मेटल्स हमारे पास है उनका मेन एक्शन जो होता है वो डिस्ट्रक्शन पे होता है और दे कवर द ऑल डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस। सो डिस्ट्रक्टिव इलनेसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय और क्योर्ड बाय मेटल्स। डिपोजिटरी ट्यूमर मे बी सीन। यस, डिपोजिटरी ट्यूमर ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेटल इलनेसेस के लिए। मेटल जितने भी मेटल रेमेडीज है उसमें डिपोजिटरी ट्यूमर्स हम प्रूविंग के टाइम पे देखा गया है कि डिपोजिटरी ट्यूमर्स पे उसके एक्शन होती है। सो डिपोजिटरी ट्यूमर्स क्या होते हैं? तो डिपोजिटरी ट्यूमर दैट मीन्स अ ट्यूमर डिपोजिट इज डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट नोड्यूल, डिस्क्रीट नोड्यूल ऑफ कैंसर, अगेन डिस्ट्रक्शन। सो द मेन एक्शन ऑफ द मेटल is on destruction. So cancer in pericolic or perirectal fat or in adjacent mesenchyme. So mesocolic or rectal fat within the lymph drainage area of the primary carcinoma without identifiable lymph node tissue or identifiable vascular structure. तो आप देख सकते हैं जहां मेटास्टेसिस होता है, लिम्फ नोड इंक्रीज्ड होते हैं, कैंसर ग्रो होता है इन द बॉडी और जैसे हम बोलते हैं कि लंग्स में था, बोन में गया यहाँ, तो ऐसे केसेस में आप मेटल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दे हैव द स्पेशल एक्शन ऑन डिपोजिटरी ट्यूमर्स, ट्यूमर इन द लिम्फ्स आल्सो। यस, सो दिस इज द मेटल मेन। तो हमने देखा मिनरल मेन, एनिमल मेन, मेटल मेन। यस, नाउ द ट्रॉमा रेमेडीज। तो आज हम ट्रॉमा रेमेडीज, इंजरी रेमेडीज देखेंगे। तो ट्रॉमा रेमेडीज आपको सबको पता है कि ट्रॉमा में कितने रेमेडीज होते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पे आते हैं आर्निका, कैलेंडुला, हाइपेरिकम, लेडम्पाल, लाइक दिस। तो ये लोग ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन रियली जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है, इंजरी का पेशेंट आता है तो उनको इस टाइप से थेरापेटिकली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में देखेंगे लेकिन उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस वहां हो सकते हैं? सो द यूनिक एंड द साइलेंट फीचर ऑफ होम्योपैथी इज फाउंड इन ट्रॉमा। व्हाट एवर मे बी द कंडीशन आफ्टर एन एक्सीडेंट, द पेशेंट इज बैक टू वर्क इन 24 आवर्स। यस, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ
पोस्ट फ्रैक्चर फ्रैक्चर के केसेस में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि वो 24 आवर्स में अपने काम पे जा सकता है। यस, लेकिन बाकी जो इंजुरीज होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, स्प्रेन्स होते हैं, इनमें पेशेंट 24 आवर्स में आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट ने अपने काम पे रिज्यूम होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते कि मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन इज द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब आर्निका फॉर ट्रॉमा और इंजुरी। इज इट द ओनली रेमेडी इन होम्योपैथी फॉर ट्रॉमा? क्योंकि ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब होती है, ब्लाइंडली कुछ भी कट वुंड होती है, कुछ मतलब स्प्रेन होता है, या फिर वहां का पार्ट जो ग्रीनिश ब्लूइश हो गया, वहां पे हिमाटोमा हो गया, स्वेलिंग आ गया, तो पट से होम्योपैथ आर्नी का प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इज इट राइट और रॉन्ग? सो तो ओनली आर्नी का ही रेमेडी नहीं है ट्रॉमा के लिए और इंजरी के लिए, वेदर अ बिगिनर्स और द सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड और सीनियर होम्योपैथ ही प्रिस्क्राइब आर्नी का फॉर ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड दैट इज द एंड ऑफ हिज नॉलेज। और इस तरह से आर्नी का प्रिस्क्राइब करना, दिस इज नॉट अ राइट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी होने के पहले, एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, स्प्रेन हुआ, जब भी कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जब तक हम वो पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक राइट रेमेडी निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उसके पीछे ट्रॉमा कहाँ हुआ, इंजरी कहाँ हुई, बॉडी के कौन से पार्ट पे हुई, कौन से साइड में हुई, ये डिपेंड करता है कि उसके पीछे क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले फाइंड आउट द कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू दैट पर्सन ऑफ दैट ऑर्गन। सो जब हमें वो पॉजिटिव फैक्टर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटिंग कॉज, एक्साइटिंग फैक्टर, वो जब मिल जाता है, उसके बाद उसके रिएक्शन, उसकी डिस्पोजिशन हमें फाइंड आउट करना है, और वो लेके रेपर्टराइज करके जब आप रेमेडी निकालेंगे तो गारंटी से 100% आर्निका आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस आर्निका वहां कवर नहीं करेंगी। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है, एक्साइटिंग कॉज क्या है वो फाइंड करो, देन इसकी रिएक्शन क्या है वो फाइंड आउट करो, और रिएक्शन के बाद उसकी डिस्पोजिशन। तो ये सब जब डालेंगे तब आपको राइट रेमेडी मिलेंगी। लेकिन जब आप आर्नी का प्रिस्क्राइब करते हैं तो आर्नी का टेम्पररी वहां रिलीफ दे सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर उसके माइंड में है वो वहां से रिमूव नहीं होगा, वो वहां से नहीं जाएगा। यस, सो ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि वुंड हील हो रही, लेकिन दैट वुंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील अप, क्योंकि वहां पे कवर उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, उसका जो एक्साइटिंग कॉज है, वो कवर नहीं हुआ है, इसीलिए वो रेमेडी वहां पे पार्शियल से मिनिमम होगी। और अगर आपको परफेक्ट से मिनिमम देखना है, निकालना है, प्रिस्क्राइब करना है, तो आपको ये सब चीजें देखना जरूरी है। इसीलिए ब्लाइंडली कोई भी इंजरी और ट्रॉमा में आने का प्रिस्क्राइब करने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। आर्निका इज फॉर ब्लो ऑन सिंगल पार्ट। अब आर्निका कब देनी है हमें, हम जब ये सब चीजें देख रहे हैं, उसके डिस्पोजिशन देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, उसके बाद ऐसे केसेस में हमें अगर थर्मस मिलते हैं, थर्स मिलती है, तो वो भी लेनी चाहिए। बट आर्निका हमें कब देना है, व्हेन द ट्रॉमा केस और द इंजुरी केस कम टू अस, व्हेन टू प्रिस्क्राइब द आर्निका। आर्निका इज फॉर ब्लो ऑन सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी।
जब वो सिंगल पार्ट पे गिरता है या फिर सिंगल पार्ट इंजुरी होती है तब हम आर्निका सोच सकते हैं। इट स्टॉप द ब्लीडिंग, आर्निका का मेन एक्शन स्पीयर ऑफ एक्शन ऑन द कैपिलरीज ऑन द ब्लड है। सो इट स्टॉप द ब्लीडिंग, रिमूव स्वेलिंग एंड पेन इन नो टाइम। तो एक एग्जाम्पल यहां दिया है कि रेल रोड एक्सीडेंट, मोस्टली हम देखते हैं कि बाइक स्लिप हो गई है ना, किसी कार ने किसी बड़े व्हीकल ने धक्का दे दिया और गिर गया पेशेंट। गिरने के बाद उसे सिंगल पार्ट इंजुरी बॉडी के एक साइड में लग गया या फिर लेग को लग गया, हैंड को लग गया। तो ऐसे केसेस में और रेल रोड एक्सीडेंट्स, अ पर्सन फॉल्स डाउन रोलिंग फ्रॉम अ स्पीडिंग बस और ट्रेन और ही इज स्पीडिंग टू व्हीलर स्किड्स ऑन द रोड एंड ही फॉल्स डाउन रोलिंग डाउन और हिज बॉडी गेटिंग ट्विस्टिंग। जब बॉडी ट्विस्ट होती है द होल फ्रेमवर्क ऑफ हिज बॉडी इज रॉक, इन अदर वर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड इज ट्विस्टेड, दिस कॉल्स फॉर द रेमेडी सिक्यूटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नो अमाउंट ऑफ आर्निका वुड बी ऑफ एनी यूज, सिक्यूटा विरोसा इज फॉर रेल रोड एक्सीडेंट बट आर्निका इज फॉर ओनली टू स्टॉप द ब्लीडिंग बिकॉज इट्स स्पीयर ऑफ एक्शन इज ऑन कैपिलरीज ब्लीडिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, दैट्स वाई दैट पार्ट बिकम्स ब्लू ग्रीनिश डार्क रेड कलर। तो ऐसा जब कोई इंजुरी का पेशेंट होता है तभी हमें आर्निका प्रिस्क्राइब करना है, अदरवाइज हमें देखना है कि इंजुरी किस टाइप की है, इंजुरी कहाँ हुई है, कौन से पार्ट पे है, मल्टीपल पार्ट पे है या सिंगल पार्ट पे है, पेशेंट किस तरह से गिरा, उसका वो गिरने की एक्शन क्या थी, किस टाइप से गिरा, कहाँ लगा है ना, मोल्डिंग है या फिर वहां पे ट्विस्ट हुआ है। तो ऐसे टाइम में हमें आर्निका बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है, आर्निका वहां पे सोचना भी नहीं है, आर्निका कहाँ सोचना है, ओनली जब वहां पे स्प्रेन होता है दैट पार्ट्स लुक ब्लूइश ब्लैकिश ग्रीनिश और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है, स्वेलिंग है और वहां पे ब्रूइस पेन है तो आर्निका हम दे सकते हैं। बट जब रेल रोड एक्सीडेंट होते हैं, स्लिप फ्रॉम द बाइक होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें सिक्यूटा विरोजा सोचना है, क्योंकि सिक्यूटा विरोजा ये ट्विस्टेड इंजुरीज के लिए, फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो, मसल्स ट्विस्ट हो या फिर हैंड लेग्स, जहां ट्विस्टेड इंजुरी है वहां पे हमें सिक्यूटा विरोजा देना है। यस, नाउ द इंजुरी, अ पर्सन फॉल्स डाउन हिटिंग द ऑसिपिटल रीजन, हिटिंग द इसका क्या क्या आपने बताया? इट स्टॉप्स ब्लीडिंग अर्णिका के लिए, तो जहाँ ब्लीडिंग वाली को इंजुरी होती है वहां पर अर्णिका नहीं रहते हैं ना, या हो सकती है इंडिकेटिव? ओनली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, स्वेलिंग बढ़ते जा रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। लेकिन ब्लीडर जैसे कि एक्सट्रावैकेशन ऑफ ब्लड है ना, ब्लीडिंग हो रही है, ओपन वूंड्स है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि हिमोराइड्स होते हैं ड्यूरिंग द आफ्टर द मिसकैरेज और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग्स होते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको आर्निका नहीं देना है, राइट, वहां पे आपको सोचना है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। कोई बोलेगा कि आफ्टर ऑपरेशन एनी सर्जरी आर्निका देना है अगर वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है तो नो। ओके, दैट इज मैकेनिकल इंजुरी, तो वहां पे हमें यस देखना है कि आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर एनी सर्जरी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेंटल पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं,
तो ऐसे कंडीशन में आर्मी का आप नहीं दे सकते। ठीक, ओके पर्सन फॉल्स डाउन हिटिंग द ऑसिपिटल रीजन। अब ऑसिपिटल रीजन में अगर इंजरी होती है तो वहां क्या आप डिस्क्राइब करना है? ऑफ हिज हेड व्हाइल ट्राइंग टू गेट फ्रॉम बिहाइंड इनटू अ रनी जी। ही बिकम्स अनकॉन्शियस, hospitalized and after a few days discharged hoping that everything is okay. 6 months later his whole left side is paralyzed. The remedy is phosphorus and phosphorus only. It is the foolish ignorance to give arnica. Phosphorus is for injury to occipital region. तो एक एग्जाम्पल है, विजयकर सर ने ये एग्जाम्पल बताया था एससीपीएच में कि ये जो पेशेंट है आफ्टर फॉल्स और उसे हॉस्पिटल इंजरी हुई, उसमें किसी डॉक्टर ने आर्निका प्रिस्क्राइब किया था। आर्निका देने के बाद ही बिकम्स, मतलब अनकॉन्शियस था तो कॉन्शियस हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे उसे डिस्चार्ज हुआ उसके बाद द लेफ्ट साइड बिकम पैरालाइज्ड, बट आफ्टर दैट फॉस्फोरस वर्क्स मिरेक्युलसली एंड फॉस्फोरस के बाद उसका पैरालिसिस क्योर हुआ, बट फर्स्ट टाइम आर्निका गिव्स हिज विजिटेटिव लाइफ ओनली। यस, तो फॉस्फोरस जब भी कभी ऑसिपिटल रीजन में इंजुरी होती है, क्योंकि फॉस्फोरस इज वेरी एफेक्शनेट रेमेडी इन सोरा, और जो ऑसिपिटल रीजन होता है ये होता है एफेक्शनेट पीपल्स के लिए, जो बहुत ही एफेक्शनेट होते हैं, जो बहुत ही सोशल होते हैं, जो बहुत ही केयरफुल होते हैं अबाउट फैमिली मेंबर्स, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पीपल्स, तो उन पर्संस के लिए फॉस्फोरस इज द बेस्ट रेमेडी। और अगर ऑसिपिटल रीजन पे इंजुरी होती है, वहाँ कुछ हिमाटोमा भी है या वहाँ पे ग्रेव इंजुरी भी हुई है, ब्रेन इंजुरी भी है, तो फॉस्फोरस वर्क मिरेकुलसली। यस, अ सडन सिट डाउन इंजुरी। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम पट से चेयर पर से नीचे गिर गए, चलते चलते स्टेप्स पर से नीचे गिर गए और कॉकिक्स पे इंजुरी हो गई। यस, सो कॉकिक्स बोन गेट्स इंजर, इट इज हाइपेरिकम एंड नॉट आर्निका। यस, तो कॉकिक्स इंजुरी पे हमें हाइपेरिकम सोचना है, क्योंकि मोस्टली वहां पे नर्व इंजुरीज होते हैं। कॉकिक्स बोन ये बहुत ही छोटा बोन होता है जहां पे नर्व्स निकलते हैं, और वहां पे मोस्टली नर्व्स इंजुरी होती है, इसलिए हाइपेरिकम इज द बेस्ट रेमेडी। और हाइपेरिकम की स्पीयर ऑफ एक्शन भी कॉकिक्स पेल्विक बोन है। यस, इसके लिए एक सर ने बहुत ही अच्छा केस बताया था, वन एक्चुअल क्योर्ड केस, अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम 50 feet हाई प्लेस, 50 feet पर, विद ब्लीडिंग and was hospitalized. His fracture, etc., got healed, and after 6 weeks in hospital, he is not able to walk because of nerve injury. And doctors say they cannot do anything. जिस तरह से patient paralyzed हुआ, उस तरह से वहाँ treatment भी paralyzed हो गई. And they give the last decision, he cannot do anything afterward. Brought home and they tried one homeopath after another in Bangalore. तो उन्होंने बहुत से होमपैथ की भी ट्रीटमेंट लिए थे, दे डेली डोजेस फॉर वीक्स एंड मंथ्स, नो इफेक्ट, सो दे प्रिस्क्राइब थेरापेटिकली बट don't give any, they don't give the relief to the patient. A leader of my book,
हैज नो नॉलेज ऑफ होम्योपैथी। एक ऐसे ऐसे बहुत कलाकार होते हैं समाज में जो कुछ मराठी हिंदी होम्योपैथी के बुक्स पढ़ते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसा ही एक पर्सन था जिसने सर का एक बुक पढ़ा था और उसमें पढ़ने के बाद इस कंडीशन पे उसने प्रिस्क्राइब किया, ही हैड नो नॉलेज ऑफ होम्योपैथी बट ही वॉज रीडर ऑफ होम्योपैथी। बाय वन ड्रम पील्स ऑफ द रेमेडी मिली फोलियम टेनियम गोज टू द पेशेंट, पुट्स अ पील इनटू हिज माउथ सेइंग दैट द नेक्स्ट डे ही कुड गेट अप एंड वॉक एंड इट हैपन। सो मेलिफोलियम इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इंजुरीज ऑल्सो। सो इंजुरी फ्रॉम फॉल फ्रॉम हाई प्लेसेस, तो इसमें बहुत सारे इंजुरीज होते हैं, ब्लीडिंग्स होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, ऐसे केसेस में मेलिफोलियम इज द बेस्ट रेमेडी। सो ये और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बोरिक्स मट रेमेडी का, मेलिफोलियम बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल फ्रॉम अ हाइट, जो ऊंचाई से गिरते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं मल्टीपल इंजुरीज होते हैं, ऐसे केसेस में मेलिफोलियम इज द बेस्ट रेमेडी। यस देन बॉइलिंग टी इज एक्सीडेंटली फ्लैश ऑन द फेस, तो इस तरह के केसेस बहुत मिलते हैं कि पानी गर्म पानी हाथ पे गिर गया, पेट पे गिर गया, चेस्ट पे गिर गया, फेस पे गिर गया। सो बॉइलिंग टी इज एक्सीडेंटली फ्लैश ऑन द फेस एंड द लेडी लॉस्ट विजन इन बोथ हर आईज। अडोटिनिस्ट गेव कैंथेरिस एंड नो इफेक्ट, अडोटिनिस्ट गेव कैंथेरिस एंड नो इफेक्ट। तो ये भी एक ब्लाइंडली प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी कि बर्न है स्कार्ड है तो कैंथेरिस प्रिस्क्राइब। वन सिंगल डोज ऑफ कार्बोलिक एसिड 200 रिस्टोर्स हर विजन इन फ्यू मिनट्स, और इसका रेफरेंस आपको पढ़ने को मिलेगा कैल्विन बी नीड्स रेपर्टरी फॉर अवर गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटरेमेडी का। जनरलिटीज में ये आपको रूब्रिक मिलेगा, इंजुरीज बर्न्स एक्सटेंसिव कार्बोलिक एसिड ओनली द रेमेडी, इंजुरीज बर्न्स एक्सटेंसिव, जो एक्सटेंसिव बर्न्स होते हैं दैट इज द कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इज वेन डीपर टिश्यू आर एफेक्टेड, तो दिस इज द कार्बोलिक एसिड हैविंग द स्पीयर ऑफ एक्शन ऑन डीपर टिश्यू बर्न, डीपर टिश्यू बर्न्स। यस सो द फिर वो बॉइलिंग वाटर हो टी हो, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो किसी मतलब गर्म चीज में गिर जाते हैं फिर गर्म चीज आग पे गिर जाते हैं, ऐसे केसेस में कार्बोलिक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी। सर बर्निंग केस में यस भी यूज होंगे क्या? बर्निंग केस स्किन पे हाँ, बर्निंग केसेस में भी बहुत से अच्छे रेमेडीज है। आप देखो बर्न्स रूब्रिक में जाओ, इंजुरीज बर्न्स में बहुत सारे रेमेडीज है, बट एक्सटेंसिव बर्न में आपको कार्बोलिक एसिड एक रेमेडी है। Yes. बर्निंग रूब्रिक में जाएंगे आप, इंजुरी बर्न्स में तो बहुत सारे रेमेडीज आपको मिलेंगे। यस
यहाँ पर जो आप बता रहे थे ना, ये जैसे जो भी अभी एग्जांपल देखे टी का या हाइट से गिरने का, तो ये अपने एक ये मेडिसिन इसमें बताए, अभी यहाँ बता रहे थे ना जैसे कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे देखना देखेंगे, अभी जैसे टी का बॉइलिंग टी का है, तो यहाँ पे क्या अपन देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऐसे कुछ? कॉन्फ्लिक्ट ना 100% वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको इमीडिएटली प्रिस्क्राइब करना है और इमीडिएट जब भी बर्न्स के केसेस होते हैं तो उसमें हिस्ट्री निकालना बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि 1-2-3 घंटे जाने के बाद आपको आराम से हिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन जहां एकदम सडन केस आ गई, जैसे कि एक्सीडेंट की केस आई, और कोई भी एक्सीडेंट की केस आती है तो उसके साथ कितने सारे लोग होते हैं, ऐसे केसेस में अगर हम हिस्ट्री लेते बैठेंगे तो वो लोग ना आपको हिस्ट्री देंगे और ना एक अलग ही वहां पे एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है, और ऐसे एटमोसफियर में वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस के लिए पर्टिकुलरली ये रूब्रिक्स है रेपर्टरी में, ये रूब्रिक्स देख के आप रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक लेने का एक मोटो ये था कि ब्लाइंडली हमें किसी भी इंजुरी के केस में, ट्रॉमा के केस में ओनली कैंथेट ओनली आर्मी का करने का प्रिस्क्राइब नहीं करना है, उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज है, राइट? तो वो अदर रेमेडीज कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए ये विद द एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, किस तरह से रूब्रिक देखना है, क्योंकि आपको मतलब ऑन द स्पॉट रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी होती है। आपको जो आपका जो आपको जो एनकाउंटर करना है विदाउट एनी विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपको ये प्रिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए ये हिंट्स ये अप्रोचेस मैं आपको बता रहा हूं, राइट? यस ओके। तो ये आप ये बहुत ही केल्विन भी रेपर्टरी बहुत ही अच्छी रेपर्टरी है, ये आप देख सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। इसमें बहुत सारे इस टाइप के रूब्रिक्स दिए हैं, सिंगल लाइन रूब्रिक्स है, और जिसमें सिंगल रेमेडीज और जो बहुत ही इमरजेंसी केसेस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा बुक है। यस, सो इंजुरीज बर्न्स एक्सटेंसिव कार्बोलिक एसिड, एंड कार्बोलिक एसिड की जो एक्शन है वो डीपर टिश्यूज पे। ओके, अभी जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत ही मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल। मैंने जब सर की केस देखा था उसके बाद रियल केस उसी टाइप से मेरे पास आई, और मैंने उस केस में जैसे सर ने रेमेडी प्रिस्क्राइब किया वही रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब किया, लेकिन सर का अप्रोच मैंने वहां पे देखा था कि किस तरह से अप्रोच सर ने वहां पे अप्लाई किया, और वही अप्रोच लेके मैंने रेमेडी निकाला था। तो केस मैं पहले सर की बताऊंगा उसके बाद मेरी केस बताऊंगा। ओके, द फीटस इज फाउंड डेड एट द 8 month ऑफ प्रेगनेंसी। यस, द फीटस इज फाउंड डेड एट द 8 month ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टेकिंग द पेशेंट टू द थिएटर। वन सिंगल डोज ऑफ कैंथेरिस 10 mg वॉज गिवन एंड विदाउट एनी सर्जरी और इंस्ट्रूमेंट द डेड चाइल्ड वॉज एक्सपेल्ड इन नो टाइम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसे केसेस रेयरली मिलते हैं, और ऐसे केसेस अगर मिले तो समझ लेना कि आप बहुत नशीबवान हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में विदाउट सर्जरी विदाउट सी सेक्शन अगर आप उस डेड बेबी को डेड फिटस को अगर एक्सपेल करते हैं डिलीवर करते हैं विद द सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन तो इसके जैसा कोई काम नहीं, ना अच्छा ये काम। यस, तो इसके लिए भी एक रूब्रिक कैल्विन बे नेज रेपर्टरी में है, प्रेगनेंसी फीटस एक्सपेल्स डेड, प्रेगनेंसी फीटस एक्सपेल्स डेड, देर आर ओनली 3 रेमेडीज, कैंथेरिस, सिमेक्स एंड पल्सिटिला। तो ये 3 रेमेडीज वहां पे हैं। तो ये सर की केस थी, जो सर के पास शायद ये फोन कॉल पे ही सर ने इस पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था।
क्योंकि वो 8 month की प्रेगनेंसी थी और यूएजी में बेबी डेड दिखा, तो उन्होंने तुरंत सिजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट को लिया, क्योंकि वहां टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही थी और ऐसे कंडीशन में रिस्क लेना डेंजरस था। तो सर ने कैंथेरिस्टेनियम का 1 dose दिया और वहां पे बेबी एक्सपेल हुआ। ओके, तो ऐसी ही सेम केस ये जब हमने एसीपीएच में पढ़ा, उसके बाद उसके बाद ऐसे सेम केस मेरे पास आई जो 8 month से थोड़े से दिन ज्यादा हो गए थे, शायद 8.5 महीने वो उस प्रेगनेंसी को हुए थे। और उस पेशेंट की हिस्ट्री मुझे ऐसी मिली कि उसे रिकरेंटली फीवर आ रहा था उस पेशेंट को, तो रिकरेंटली इंटरमिटेंट फीवर से वो कंटिन्यूअस 7 to 8 month की प्रेगनेंसी उसकी रही। बहुत बार उसे हॉस्पिटलाइज किया फीवर के लिए, बहुत सारे उसमें जो एंटीबायोटिक्स चलते जो अंडर द गायनेकोलॉजिस्ट उनको टाइम टाइम पे एंटीबायोटिक्स दिए फीवर को सप्रेस करते आए, और हर महीने उसको वो फीवर आता था, हर महीने उसको एडमिट करते थे। तो कंटिन्यूअसली उसकी हिस्ट्री रही फीवर की, और जब 8 month में 8 month उसका हुआ, पास ऑन हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन बाद पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि मुझे मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे बेबी के। तो जब पेशेंट ने बताया कि मूवमेंट्स नहीं आ रहे, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने यूएजी किया तो बेबी वॉज डेड। ऐसे कंडीशन में अब पेशेंट को पूछा कि भाई कितने दिन से आपको ये मूवमेंट्स नहीं लग रहे, तो पेशेंट ने बताया कि 3-4 दिन हो गए मुझे मूवमेंट्स नहीं लग रहे। लेकिन यूएजी में और गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि शायद 7-8 दिन हो गए बेबी डेड है। तो ऐसे कंडीशन में एक ही पर्याय होता है कि सिजेरियन सेक्शन से बेबी को निकालना है। तो पेशेंट का एक रिलेटिव मेरा बहुत ही अच्छा पेशेंट था, वो काफी दिन से मेरे पास आ रहे थे, उनका मुझे फोन आया कि सर ऐसे ऐसी केस है, 8 दिन से बेबी डेड है और 8.5 month हो गए और उनके ऑलरेडी पहले सीजर हुआ है, उसके बाद ये प्रेगनेंसी रही और अभी ये केस हुआ। तो मैंने केस को देखा, उसकी हिस्ट्री लिया, और हिस्ट्री में मुझे ये मिला कि रिकरेंट फीवर, तो फीवर के लिए इंटरमिटेंट फीवर ये रूब्रिक लिया। देन जो सर ने ये रूब्रिक सिखाया था प्रेगनेंसी फीटस एक्सपेल्स डेड, ये रूब्रिक ऐड किया और उसमें रेमेडी आई सिमेक्स, ओनली वन रेमेडी। और सीमेक्स मैंने 200, सर ने यहाँ 10 mm दिया था, लेकिन मैंने सीमेक्स, क्योंकि मेरे पास सीमेक्स 10 mm नहीं थी, मेरे पास 200 थी, तो 200 का एक डोज पेशेंट को दिया। और शायद मैंने पेशेंट को 2 बजे देखा दोपहर में, और शायद 3 बजे के आसपास मैंने उसे डोज दिया, और रात को 8 बजे पेशेंट की डिलीवरी हो गई। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास से मेरे पास आया, मैंने उसे कॉटन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया था इस पेशेंट को, और रात को 8 बजे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा अबाउट द सीमैक्स, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर विजयकर सर, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ऐसे क्रिटिकल केस में भी हम मेडिसिन दे सकते हैं और उसे नॉर्मल कर सकते हैं। दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। यस, सो सिमेक्स क्या है? सिमेक्स एकेंथिया, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेड बग। सिमेक्स ऑफ यूज इन इंटरमिटेंट फीवर, जब मैंने सिमेक्स पढ़ा तो एग्जैक्ट सिम्टम मुझे सिमेक्स में मिले, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री ही ये पेशेंट, मतलब सिमेक्स का इंट्रोडक्शन ही इस
सिम्टम से स्टार्ट होता है कि इंटरमिटेंट फीवर विथ वियरीनेस एंड इंक्लाइनेशन टू स्ट्रेच। पेशेंट ने उसके पहले बहुत जोर लगाया लेकिन बेबी एक्सपेल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे सिमेक्स उसे दिया उसके बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट की हुई। सो पेशेंट में एक हिस्ट्री ये भी होती है कि वियरीनेस एंड इंक्लाइनेशन टू स्ट्रेच, बहुत पेशेंट स्ट्रेच करता है, हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज को स्ट्रेच करता है, बॉडी स्ट्रेच करता है, यस, बिकॉज ऑफ पेन भी हो सकता है। सो हैमस्ट्रिंग फील्स टू शॉर्ट, फ्लेक्सर्स मोस्टली अफेक्टेड, सेंसेशन ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ आर्म टेंडन्स स्ट्रेचिंग, मेंटल्स ऑफ सिमेक्स, एंग्जाइटी आफ्टर ड्रिंकिंग, डिस्ट्रक्टिवनेस, यस। तो ये थर्ड कंफर्मेटरी सिम्टम मुझे उसमें सिमेक्स में मिला कि डिस्ट्रक्टिवनेस, और वहां पे ग्रेव डिस्ट्रक्शन हुआ था, दैट इज द बेबी। सो इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग चील, रेज ड्यूरिंग चील एंड टीयर्स थिंग्स, यस। सो सिमेक्स के बारे में और एक एग्जाम्पल जो मैंने एक बुक में पढ़ा, डॉक्टर नैश के बुक का, डॉक्टर नैश क्यूर अ केस आफ्टर ड्राइविंग अ फ्रैक्चुअस हॉर्स दैट ट्राइड टू रन अवे ओवर अ वेरी रफ रोड, अ मैन वॉज सो ब्रूस्ड एंड स्प्रेन अबाउट द बटक्स एंड लेग्स दैट ही वॉज कंफाइंड टू द हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कॉन्सिक्वेंसेस। इट सेटल्ड फाइनली इंटू व्हाट अपीयर्ड लाइकली टू बी परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर लिम। नो रेमिडी रिलीव टिल डॉक्टर ब्रिवेस्टर, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर नैश, डॉक्टर ब्रिवेस्टर रिमेंबर्ड अ केस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर दैट ही हैड क्योर 20 ईयर्स बिफोर बीइंग गाइडेड बाय हिज सिम्टम सिमेक्स प्रॉम्प्टली क्योर, यस। तो ये भी एक रेफरेंस मुझे मिला डॉक्टर नैश के बुक में। तो सिमेक्स इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इंजुरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे जो इंजुरी बेबी को हुई बिकॉज ऑफ फीवर एंड द मेडिकेशन, दैट्स व्हाई दैट बेबी डाइड। तो सिमेक्स इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इंजुरीज ऑल्सो, यस। सो दिस वॉज हेलो, यस यस सर टू क्वेश्चंस। सर यस ने एक तो 10 MQ सिलेक्ट किया था, वन, और सेकंड इन योर केस यस आपने 200 का डोज दिया था यस सिमेक्स का। अगर आपको 10 M मिल जाता तो वेदर यू एक्सपेक्ट कि 3 बजे देने के बाद वो 4-5 बजे तक हो जाता था डिलीवर? यस, क्योंकि सर जब मैंने सर की ये केस सुना तो सर ने वहाँ 10 M प्रिस्क्राइब किया, तो मेरे माइंड में वही था कि 10 M देना चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मेरे पास ओनली 200 ही था। इस मैंने सोचा कि चलो अगर राइट रेमेडी है तो कौन से भी पोटेंसी में वर्क करेगी, इसलिए मैंने वहाँ 200 दिया और उसने मिराकुलसली वर्क किया। तो सर ने एक बार ये भी कहा था सेमिनार में कि अगर आपकी रेमेडी राइट है, आपका सिलेक्शन परफेक्ट है, सिमिलिमम परफेक्ट है, तो वो फिर कौन से भी पोटेंसी में दो वो वर्क करेगा। बट सर, व्हाई ही सिलेक्टेड 10 M? व्हाई उसका द सर पोटेंशियल? यस उसका मुझे भी पता नहीं कि सर ने 10 M क्यों दिया था, बट मोस्टली जो डिस्ट्रक्टिव केसेस होते हैं सर ओनली 200 देते हैं, तो शायद वहां पे सर के पास भी 200 नहीं होगा, शायद उन्होंने 10 M दे दिया, लेकिन मोस्टली सिपिलिटिक केसेस में 200 ही सर प्रिस्क्राइब करते थे, यस। और मैंने प्रिस्क्राइब करने का मेरे पास
एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी, और मैंने सोचा कि 200 सिपिलिटिक केस है तो 200 बेटर वे है। यस और वेदर इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूटनेस ऑफ द डिसीज, यस इसलिए सर ने हाइपोटेंस दिया। हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां जो वाइटेलिटी थी बहुत लो हो गई होंगी, दैट्स व्हाई सर प्रिस्क्राइब 10 एम। या थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर मिनरल्स मेडिसिन्स में वो कौन कौन से, ये ब्रोमीन आयोडीन ये सभी मिला के और कौन कौन से मेडिसिन्स रहेंगे? मिनरल्स सभी आएंगे, करक्रिया, बराइटा, नेट्रम, कालीज, मैग्नीशियम्स, ये सब मिनरल्स। तो ये फ्लोरीन आयोडीन ये सभी भी यस सी मतलब ऑल हेलोजेंस ना? यस यस ओके। सो आज के सर, सेशन से आपको क्या अच्छा लगा बताइए। तो सभी अच्छा लगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब क्या बोलना चाहिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजुरी या सिर इंजुरी रिलेटेड, कभी भी काम पड़ सकता है। यस सर आपने गॉड रेमेडी आरम बोली, तो ह्यूमन जी रेमेडी कौन सी है सर? ह्यूमन में जो आपके आपने रेस के बारे में सोचेगा और उससे भी ऊपर, इसमें कौन कौन सी रेमेडी आएगी? गॉड रेमेडी, अगर हम पर्टिकुलरली रेमेडीज में जाते तो गॉड रेमेडी और ह्यूमन रेमेडीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे ऑरम, कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस, लाइको, स्टेपिस अग्रया, इग्निशिया, सिलेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपको गॉड रेमेडीज में भी मिलेंगे और ह्यूमन रेमेडीज में भी मिलेंगे। यस और हेलो सर ये सर, ब्लैक, यस सर ये ब्लैक डिस्कलरेशन ओवर द फेस, ये इसमें क्या पेशेंट अपना फेस दिखाना नहीं चाहता क्या? यस इसमें देखो दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। एक कॉम्प्लेक्शन, कि ऐसा लगता है कि मेरा फेस सही नहीं है, या फिर मैं किसी को फेस दिखाने लायक नहीं, मैं किसी को फेस नहीं दिखाना चाहता, हाइडिंग द फेस, दैट्स व्हाई द डिपोजिशन कम्स। और कोई बार बार उसके लुक को लेके टॉर्चर कर रहा है तब भी उस पे ये आ सकता है। अच्छा, ये क्लोइज्मा वगैरह इसी में आएंगे क्या सर? ठीक यस ओके सर। उसमें और एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। यस ओके तो सर थैंक यू सर। आइडेंटिटी में क्या इन डिटेल मतलब? आइडेंटिटी जैसे कि मोस्टली ये लेडीज के चेहरे पे आता है ना, तो वो लेडीज जिनको ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड अभी मुझे चाहता नहीं, मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, या फिर उनका बाहर कुछ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ऐसे केसेस में वो चेहरे पे आना शुरू हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरी मेरी जरूरत नहीं, इनको मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई मेरा हस्बैंड भाव नहीं देता, घर वाले मुझे कोई अच्छा नहीं बोलते, तब ये ग्रो होना शुरू हो जाता ये चीज होती है ज्यादा में ना, मतलब है। ये वाला आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ये ज्यादा तो रहते हैं ना। हेलो सर, यस एक सर पेशेंट है, वो 8 मंथ प्रेगनेंसी थी उसकी, और प्रेगनेंसी के दौरान वो गिरी थी सर, बैक रीजन से गिरी थी सर, स्किड होके गिरी थी, बैक में उसको चोट नहीं आके सर उसको जो है उसकी डिलीवरी हो गई। आफ्टर डिलीवरी सर उसको ट्यूमर है, तो बोलती है कि हम गिरे थे तभी ये ट्यूमर हुआ था मुझे। ट्यूमर कहाँ है? ये सर जस्ट लेफ्ट साइड है, बिलो जो है
लोअर एब्डोमेन में है सर, और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, उसमें कुछ आता नहीं सर, ट्यूमर आता है नॉर्मल, ऐसे बिनाइन ट्यूमर आते हैं उसमें। कौन से ऑर्गन में है? ऑर्गन सर लोअर एब्डोमेन है सर। लोअर ऑब्डोमिन में कितने सारे पार्ट है, कितने ऑर्गन से, कौन से ऑर्गन को अटैच है, कहाँ है? हाँ अटैचमेंट सर इसका है जो है न, उसमें तो सर ऐसा कुछ लिखा नहीं आता है सर, नहीं, जब तक लेकिन वो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, आता नहीं है, आप उसका सिटी ये सर, डॉक्यूमेंट करवा लो। लेकिन ये सर क्या ऐसा हो सकता है सर, इंजरी जो है गिरने से हो सकती है, बैक रीजन में गिरी थी सर वो। नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो इंजरी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो टाइम पीरियड सब आपको निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली, यस उसके सर, गिरने के बाद कितने दिन बाद उनको ऐसा लगा कि अपने पेट में कुछ है, फिर कब इन्वेस्टिगेशन किए, ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा कि कब गिरे, कब लगा, उसके बाद कब सिम्टम्स आए, क्या हुआ, और कब फर्स्ट यूएसजी किए, है ना। और अगर वो यूएसजी में पता ही नहीं कि कौन से ऑर्गन में है, तब तक आप कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं निकाल यूएसजी सकते। में सर तो ये सब चीजें नहीं आता उसमें, वो जो है नॉर्मल ट्यूमर दिखाते तो हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, सुनो ना, तो आपको यस सीटी एब्डोमेन करना पड़ेगा, उसमें वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक ठीक सर अगर ठीक ऐसे पेशेंट्स में यस पोस्ट इंजुरी अगर ऐसा टाइप का कुछ स्वेलिंग या ग्रोथ या ट्यूमर ऐसा मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रूटीनली हम तो सोनोग्राफी करती है, उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, मगर पोस्ट इंजुरी इनको अगर देखने को ऐसा ट्यूमर मिलता है तो बेलिस पेरिटिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। बट वो इंजरी से हुआ है, तो अगर इंजरी से नहीं हाँ, हुआ है तो नहीं हुआ, वर्क हो, सॉफ्ट ही इज टेलिंग अबाउट द इंजुरी ओनली ना, आई थिंक। टिश्यू इंजरी, यस। ओके, 5:30 हो गए। ओके, 5:30। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम, थैंक यू, थैंक यस, कल हम मटेरियल का न्यू टॉपिक लेके आएंगे। ओके, यू सर, ओके, थैंक थैंक यू सर, यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मच, यू सर, थैंक थैंक यू सर। यू।